मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कैसे आर्ट में, आर्ट के थ्रू आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इनकम जनरेट करने का बहुत सारा तरीका, तो मैंने कैसे शुरुआत किया वो मैं बताऊँ, स्टार्ट कैसे करना ये मैं बताऊँगा आज। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने शुरुआत में मैं पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, मैं बार बार अगर आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको अर्निंग शुरू करना है या फिर आपको कैसे कमीशन वर्क मिलेगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको पूरी तरह सिर्फ पैसे के लिए आपको धकेल रहा हूँ कि आपको पैसे कमाना है पैसे कमाना है। ये नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने क्रिएटिविटी छोड़ दो, अपना प्रैक्टिस छोड़ दो और सिर्फ आप पैसे कमाने के पीछे भागो। बात मैं इसलिए ये चीज़ कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा है, ऐसे स्ट्रगल करने वालों को देखा जो कि इनके पास स्किल है, बट एट द एंड ऑफ उन्हें पेंटिंग छोड़नी पड़ती है। क्यों छोड़नी पड़ती है? कहीं ना कहीं जा कर के उसकी वजह होती है पैसे, पैसे की वजह से वो छोड़ देते हैं। क्योंकि जब आप इस फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ते हो तो आपको मटेरियल चाहिए होता है। इसके मटेरियल थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, थोड़े अलग होते हैं। नॉर्मल मटेरियल्स में आप बहुत आगे तक काम नहीं कर पाओगे। एक टाइम के बाद आपको अपने मटेरियल्स, अपने जो हथियार हैं वो अपग्रेड करने पड़ते हैं, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। तो मैं चाहता हूँ कि अभी से थोड़ा बैकअप बना के आप चलेंगे तो आप इस फील्ड में कंटिन्यू रह सकते हैं। क्योंकि जब तक आप थोड़े सेटल नहीं हो जाते तब तक तो इस फील्ड में रहना पड़ेगा, और एक टाइम के बाद आप घर से पैसे नहीं ले सकते। और मुझे पता है बहुत सारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं इनके साथ भी ऐसा है, आप भी चाहते हैं कि इसे अर्निंग शुरू करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अर्निंग कैसे करना है आर्ट में, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जैसे मैंने स्टार्ट किया था। देखो, पेंटिंग फील्ड में ऐसा नहीं है कि आप अपने पेंटिंग के को बेच करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पेंटिंग सिर्फ इसलिए सीखते हैं कि उनको लगता है कि हम बहुत सारी पेंटिंग्स बेच देंगे बना के तो बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। देख यार, ऐसे पेंटिंग नहीं बिकता। जिनकी पेंटिंग्स बिकते हैं वो बहुत ही सालों से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनका एक नाम होता है, उनका एक पहचान होता है और एक नाम बिकता है। तो अभी मैं उतना लंबा आगे की बात नहीं करूँगा, मैं अभी एक बिगिनर्स की बात करूँगा, एक लर्नर की बात करूँगा जो सीख रहे हैं और साथ में चाहते हैं कि उसको और अच्छा सीखे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पैसे की ज़रूरत आपको उस चीज़ों को रोकने के लिए मजबूर कर रहा है। कुछ दिनों पहले मैं एक रेस्टोरेंट गया था, वहाँ पे किसी ने मुझे कहा, एक वहाँ के वेटर ने मुझे बोला कि सर मैं आपको यूट्यूब पे देखता हूँ, मैं भी पेंटिंग करता था, इंटरेस्ट था, बट मजबूरी ने मुझे यहाँ ले आया, मैं पेंटिंग छोड़ दिया। तो वैसे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो कि पेंटिंग पैसे की वजह से पेंटिंग छोड़ दिया उन्होंने। तो चलिए अब आते हैं इस मेन टॉपिक पे कि मैं आपको बताता हूँ अर्निंग कैसे शुरू करना है। दोस्तों 2014-15 की बात करता हूँ, मैंने कैसे शुरू किया था कि मुझे एक क्लास मिला, मैंने एक बच्चे के क्लास लेने से शुरू किया था और मुझे उस वक्त 500 रुपीज़ मिलते थे जिससे मैं अपने मटेरियल्स खरीदता था। और इस तरह से मैंने धीरे 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 एक से दो, दो से चार ऐसे स्टूडेंट्स मिलते गए और मैंने इसे कंटिन्यू किया। आज मेरे पर 100+ स्टूडेंट हैं, मेरे अकेडमी में मेरे 4 ब्रांच हो चुके हैं कलाकुश के। तो इस तरह से बच्चे बढ़े, लेकिन यह जर्नी लंबा था। मैंने शुरुआत एक बच्चे से किया था और उस समय 500 रुपये मिलते थे मुझे। 2014-15 की बात बता रहा हूँ, मैं 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो और साथ ही साथ मैं सीखता भी था और मटेरियल्स भी खरीदता था। अगर मैं उस समय क्लास नहीं लेता ना तो शायद मैं भी कब का पेंटिंग छोड़ चुका होता, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत दिक्कत थी मुझे भी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि देखो, आपको कमीशन वर्क्स भी मिलेंगे, वो अलग ही सोर्स, इनकम का सोर्स है, लेकिन फ़िलहाल आप एक लर्नर हो, आप सीख रहे हो, तो आप एक काम करो, अपने सोसाइटी में आसपास के बच्चों को देखो, अगर वो पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो अपने घर पे बुला के उनका क्लास देना शुरू करो। वीक में एटलीस्ट एक क्लास भी दो, आप महीने के 1000 रुपये भी कमाओगे ना तो अपने आर्ट मटेरियल्स खरीद के आप इसे कंटिन्यू कर पाओगे। मैं एकदम मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, 500 से 1000 रुपये भी आप कमाते हो तो अपने उसमें पेपर्स खरीद सकते हो, पेंसिल्स खरीद सकते हो, कलर्स खरीद सकते हो, अपने बहुत सारे मटेरियल्स आप अपग्रेड कर सकते हो। और अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि फ़ी भी नहीं देना चाहते हैं कि या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं सिखा पाओगे, आपको डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप एक काम करो, आप सबसे पहले आसपास के बच्चों को ढूंढो और ना फ्री में सिखाना शुरू कर दो। जी हाँ, फ्री में सिखाना शुरू करो। एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, एक महीने, 1.5 महीने तक आप सिखाते, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना अंदर से, क्योंकि अभी आपको कॉन्फिडेंस कमाना है, पैसे नहीं कमाना है। जब आप कॉन्फिडेंस कमा लोगे ना तो आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं सिखा सकता हूँ या सिखा सकती हूँ,
फिर क्या कर सकते हो आप, फिर आप अपने क्लासेस शुरू कर सकते हो, छोटे छोटे बच्चों से शुरू करो। उसमें साथ ही साथ एक काम करो कि आप सिखाना भी आपको, और साथ ही साथ आपको अपने आप को अपग्रेड भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो, एक अर्निंग शुरू हो जाएगा, तो फिर आप मेहनत करते जाओगे, वो बढ़ते जाएगा, आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा, आप अपने ऊपर काम करोगे, आपका स्किल बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा जो तरीका है वो है, आप अगर क्लासेस नहीं ले सकते तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप अपना पूरा फोकस अभी कर दो, आप पोर्ट्रेट पे ज़्यादा ध्यान दो, पोर्ट्रेट प्रैक्टिस करो, क्योंकि पोर्ट्रेट स्केचेस आप सीख जाओगे तो आपको कमीशन वर्क्स मिल जाएंगे, और कमीशन वर्क्स के थ्रू आप अपने आप को मतलब अपग्रेड करो, और कमीशन वर्क्स से आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि पेंटिंग्स बिकने की बात बहुत दूर की है अभी फ़िलहाल, भी अगर आप कुछ पोर्ट्रेट्स करोगे तो इस पर क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ काम मिलना शुरू हो जाएगा। और इस कमीशन वर्क के लिए मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जल्दी ही, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं कमीशन वर्क कैसे मिलता है इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से मीडियम है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जिस पर आप ड्राइंग करोगे तो जल्दी आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा, और वो कैसे होगा, उसके लिए मार्केटिंग कैसे करना है, मैं थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ यही कि ओवरऑल कि आप छोटे छोटे बच्चों को सिखाना शुरू करो, और बहुत सारे लोग इसे छोटा काम मानते हैं कि यार मैं इतना सीखने के बाद बच्चे को सिखाऊंगा, तो बस यहाँ बच्चे की बात नहीं है, शुरुआत करने की बात है, बस शुरुआत कर दो और इसका रिज़ल्ट एट द एंड ऑफ अच्छा ही होगा, क्योंकि इस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, ज़रूरी नहीं है लाइफ टाइम आप सिखाते ही रहो, बट फिलहाल आप शुरुआत कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर और भी ऐसे कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट करके मुझे पूछो, मैं जल्दी इस पर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखो।